तो मैं हूँ आपके साथ वागीशा और आज हम आपको बताते हैं तेजस्वी सूर्या नाम का ये युवा कल कर्नाटक में अचानक से चर्चे में आ गया जब मोदी जी ने इसे बंगलोर से उम्मीदवार बनाया। और मजे की बात तो यह है वो किसी नेता या मंत्री का बेटा नहीं, एक साधारण कार्यकर्ता है। देखिए इस खास खबर में। तेजस्वी सूर्या नाम का युवा कल कर्नाटक में अचानक से चर्च में आ गया जब मोदी जी ने इसे बंगलोर से उम्मीदवार बनाया। और मजे की बात तो ये है कि वो किसी नेता या मंत्री का बेटा नहीं, एक साधारण कार्यकर्ता है। आईआईटी करने के बाद अमेरिका जा सकता था लेकिन भारत की राजनीति को बदलने की इच्छा से ये नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए। इनकी भाषण देने की शैली नरेंद्र मोदी जैसी ही है। एक समय था जब राजनीति धर्म को निरंतर रोनने का कुतित्व प्रयास कर रही थी और दिन पर दिन सनातन धर्म और उसकी परंपराओं का मजाक उड़ाया जा रहा था। कहीं भगवा आतंक से अलंकृत किया जा रहा था तो कहीं न्यायालयों में भगवान राम को काल्पनिक बताया जाता था। किंतु आज समय बदल गया है, सनातन धर्म ध्वज वाहक स्वयं आगे आए हैं राजनीति और देश स्वच्छ करने के लिए। यह है 28 साल के युवा तेजस्वी सूर्यायुद्ध जिन्हें भाजपा ने कर्नाटक में इस बार दक्षिणी बेंगलुरु की सीट से टिकट दिया है। युवा इसे कहते हैं, यह सिर्फ भाजपा में संभव है, देश की सिर्फ वर्तमान चिंता नहीं बल्कि भविष्य का नेतृत्व भी तैयार हो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।